मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में आज एहतजाज का ऐलान। आवाम अपने वोट की हुरमत के तहफ्फुज़ के लिए कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखें। PTI कोर कमेटी की अपील, कहा अवामी मैंडेट की खुली तौहीन रोकना मुल्क कौम के मफाद के लिए नागुजीर है। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने PTI के एहतजाज की इजाजत के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, कहा दफा 144 नाफिज है, किसी भी सियासी जमात और तंजीम को एहतजाज या रैली की इजाज़त नहीं, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी, शहरी किसी भी सियासी इज्तिमा का हिस्सा बनने से गुरेज करें। वफाक में मुस्तहकम हुकूमत बनाने में मुश्किल, लीगी रहनुमाओं का क़यादत को वफाक में हुकूमत ना लेने का मशवरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक मुकम्मल साथ नहीं देती, वफाकी हुकूमत हमें नहीं लेनी चाहिए। पंजाब में आसानी से हुकूमत बना सकते हैं, फोकस सिर्फ पंजाब में करना चाहिए। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ ने हिदायत की के कहा हुकूमत के लिए किसी की गैर उसूली बात न माने। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राबता कमेटियों का मुलतवी इजलास आज होगा। अहम बैठक इसहाक डार की रिहाइश गाह पर होगी। सिफारिशात को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का मेला आज से शुरू होगा। शायकीन को चौकों छक्कों की बरसात का इंतजार। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुरीदके में GT रोड पर ट्रक और वैन में तसादुम, एक ही खानदान के 6 अफराद जहां बहा, 3 खवातीन शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसे का शिकार खानदान मुल्तान से गुजरांवाला जा रहा था। हादसा वन वे की खिलाफ वर्जी के बाइस पेश आया। खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नतीज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ की आफ्ताब शेर पाव से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मरकज और पंजाब में अपोजिशन के बैठने का फैसला किया है, चाहते हैं कि हम आहंगी हो और इस्तेहकाम आए। PTI वफ़ की इस्लामाबाद में जमात इस्लामी रहनुमाओं से भी मुलाकात। असद कैसर ने कहा इलेक्शन के बाद अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, हम मौजूदा इंतखाबात को नहीं मानते, कल मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। लियाकत बलोच ने कहा आवाम के हकूक पर डाका डाला गया, सुप्रीम कोर्ट की सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का भी मुतालबा। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में रवां साल भी तेजी का रुझान। UAE का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले सरमायाकारों की तादाद में इजाफा। सरमायाकारी के जरिए गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ने लगी। गोल्डन वीजा हासिल करने वालों को कई खसूसी सहूलियात हासिल। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का जामशोर इंटरचेंज पर धरना। पीर पगारा ने कहा फौज से कोई लड़ाई नहीं, इलेक्शन में डाके के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। GDA का 20 फरवरी को धरने का ऐलान। सफदर अब्बासी ने कहा हल्फ बर्दारी के दिन सिंध असम्बली का घेराव भी करेंगे। लियाकत जतोई का मुल्क में दोबारा नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा। अरबाब गुलाम रहीम ने भी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। सखर कंदकोट और घोटकी में भी इंतखाबी नतायज के खिलाफ GDA और JUI समेत दीगर जमातों का एहतजाज। लोरालाई में भी शहरी सड़कों पर आ गए। जमात इस्लामी का कराची और इस्लामाबाद में मुजाहरा। हर बार सिंध का सौदा कर दिया जाता है, मौजूदा इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का जामशोरों में GDA के एहतजाज से खिताब। सायरा बानो ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, सिंध एक करप जमात के हवाले नहीं किया जा सकता। अयास अली जो बोले सिंध को काला बकरा समझ लिया गया है। पीर सदरुद्दीन राशिदी ने कहा कि चोरी के मैंडेट पर हल्फ उठाने जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची पर शहरी वडेरों को मुसल्लत किया गया, ये कौन सी फैक्ट्री है जहां ऐसे नतायज बनाए गए। GDA का एहतजाज पीर पगारा के मुरीदों का इज्तिमा है, उसे सियासी जलसा ना समझा जाए। GDA को हर जगह से तारीखी शिकस्त हुई। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल।
कहा पीर वगारा से गुजारिश है कि मजहब और सियासत को अलग अलग रखें। JUI भी मदरसे के लोग जमा करके जलसे करती है। PTI ने आलमी मीडिया के सामने फॉर्म 45 भी पेश कर दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा जमहूरियत पर खुला हमला किया गया, रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। खुर्रम शेर जमान बोले MQM को कराची में सीटें बांटी गईं, इस बार कराची वालों ने 2018 से ज्यादा वोट दिए। रऊफ हसन ने कहा तहरीक इंसाफ 177 नशिस्तों पर कामयाब हुई लेकिन 92 सीटों पर कामयाबी दी गई। PTI को कराची से 10,25,000 वोट मिले। तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ बोलकर जालसाजी कर रही है, ये जीत कर भी धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल, मरियम औरंगजेब कहती हैं चंद अनासिर को इस्तेमाल करके झूठा बयानिया बनाया गया। अता ताड़र ने कहा कि PTI ने जमहूरियत डिरेल करने के लिए फॉर्म 45 से खिलवाड़ किया। PTI ने KP में डिजिटल टेररिज्म का एक सेल बनाया जिस पर 100 अरब खर्च किए। हम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं, बात आगे बढ़ी तो बात आगे बढ़ाएंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मौलाना जो बातें अब कर रहे हैं ये बातें इलेक्शन से पहले क्यों नहीं की गई। मुस्तफा कमाल ने कहा PTI सबसे पहले फजलुर रहमान से माफी मांगे, बानी PTI जिन अल्फाज में फजलुर रहमान को याद करते थे बयान नहीं कर सकता। बानी PTI ने साइफर केस और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इद्दत केस की अपील सेशन कोर्ट में दायर। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का 12 जनवरी को हुक्म गैर कानूनी है। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मजाहिर अली नकवी का सेक्रेटरी जुडिशियल काउंसिल को खत, मौकफ इख्तियार किया, 10 जनवरी को मुस्ताफी हो गया था। मामले पर सुप्रीम कोर्ट काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है। महंगाई की शरह में 0.78% कमी के बावजूद एक हफ्ते में 22 अशिया महंगी, दालें गोश्त चीनी आलू समेत बेशतर अशिया के दाम बढ़ गए। इदारा शुमारियात के एदाद और शुमार जारी। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, 132वें रोज भी बमबारी। अल नसीरात कैंप पर हमले में 4 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। गजा में घरों पर बमबारी से 6 अफराद और जबालिया में 3 अफराद शहीद हो गए। फलस्तीनी सहाफी अहली और बच्चे समेत शहीद। खान यूनुस के अलनसर अस्पताल में मरीजों को जबरदस्ती अस्पताल से बाहर कर दिया गया। 24 घंटे में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 28,700 से तजावज कर गई। उधर इसराइल फौज ने WHO के काफिले को अलनसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब से हिरासत में ले लिया। 2 ट्रक पर मुश्तमिल काफिला ईंधन और खुराक लेकर आ रहा था। आलमी अदालत इंसाफ को इसराइल के खिलाफ इजाफी आर्जी इकदाम का हुक्म देने से इनकार, कहा रफा में इसराइली कार्रवाई पर इजाफी आर्जी इकदाम के हुक्म की जरूरत नहीं। जनूबी अफ्रीका ने रफा की सूरत हाल पर इजाफी आर्जी इकदाम की दरख्वास्त की थी। अदालत का इसराइल से 26 जनवरी 2024 के हुक्म पर अमल दरामद का मुतालबा। गजा जंग बिखरे हुए आलमी निजाम की निशानदेही करती है। सेक्रेटरी जनरल अक़्वामे मुत्तहदा के म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का खिताब एंटोनियो गुतेरेस ने कहा गजा जंग वाजे करती है कि मुनकसम आलमी निजाम किसी के लिए काम नहीं कर रहा। गजा जंग आलमी तजारत को मुतासर कर रही है।